हजार अभी भी तेरी हाथ टेढ़े हो जाते, कमजोर है गई तेरी नसें हैं? ले ले कर दिया, दिख रहा हूँ मैं। सो गाइस आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद एक नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं और ये पूरा व्लॉग जो रहेगा जिम के रिलेटेड रहेगा। एज यू नो जिम से रिलेटेड ही व्लॉग बनाता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है अभी से आप सभी का, ठीक है। तो आज जो व्लॉग रहेगा उसमें क्या क्या करने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेगी। तो आज कर रहे हैं हम लैग का पूरा वर्कआउट करेंगे, ठीक है, और थोड़ी बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने हैं तो आपको एंड में मिलेगी कौन से टिप्स हैं वो, ठीक है। तो आपको उसके लिए आपको स्टे ट्यून करना है। और अभी करते हैं वार्म अप, स्टार्ट करता हूँ वार्म अप करके दिखाता हूँ कौन कौन से लेग से पहले आपको वार्म अप करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर सारी एक्सरसाइजेस एक एक करके आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। जो गाइस हम कर रहे थे फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहा था मैं, जिसमें हम कर रहे थे बारबेल स्क्वाट, ठीक है। स्क्वाट्स में मैंने टोटल अभी गया मैं 100 के जी गया हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी जा सकता था बट अपने आप को आज पुश नहीं किया मैंने ज़्यादा, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम करेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल, देन क्वाड पे करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इन एक्सरसाइज को जो आपको सेट्स रखने हैं आप रख सकते हो। मैंने इसमें जो करें 4 सेट्स करें हैं, ठीक है। पहले मैं 10-10 से करा, फिर 20-20, फिर 40, फिर 60, देन 80, यानी टोटल 100 के जी कराया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको हैमस्ट्रिंग कर्ल और क्वाड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम जो जो सेट रखेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस सब कर रहे हैं हम हैमस्ट्रिंग कर्ल करेंगे, इसमें सुपर सेट लगाएंगे। पहले जो वेट रहेगा वो 60 के जी, देन 50 के जी, देन 40 के जी, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं सुपर सेट, पहले रखेंगे 12 रैप्स कम से कम। बता देना सही हो रहा नहीं हो रहा। सही जा रहा है? तो गाइस अभी जो हम आपने देखा ही, पहले हमने हैमस्ट्रिंग कर्ल करा, उसके बाद क्वाड का एक्सटेंशन, क्वाड एक्सटेंशन करा, ठीक है। तो लाइंग लेग कर्ल होता है, ठीक है, लाइंग लेग कर्ल करा, उसमें हमने 4 सेट रखे थे, ठीक है। और उसमें स्टार्टिंग में हमने करा 16, फिर 12, फिर 10, फिर 8, इस तरह से करा। फिर उसके बाद केबल क्रंच करा, केबल क्रंच में हमने सेट्स जो रखे हैं वो 3 सेट्स रखे थे, ठीक है। फिर उसमें भी हमने 15, 12, फिर 10, इस तरह से वेट बढ़ाते गए और रैप्स हमने कम करते हुए, ठीक है।
और ताकि एफिशिएंसी बनी रहे आपकी बॉडी की, ताकि आप अच्छे से जो भी आपका रैप्स हो इजीली आप कर पाओ, ठीक है। और हमारा रैप्स भी तो उसमें स्ट्रेंथ जो है हमारा बढ़िया बना रहता है एक लेवल तक। सो गाइस, अभी जो है मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है। और जो मैं टिप्स की बात कर रहा था कि आपको क्या चीज़ों का टिप्स देने वाला हूँ मैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपने जिम में कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसको इग्नोर कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम वो गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, कि हमें उस बारे में नॉलेज ही नहीं होती तो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं जिम में करते हुए लोगों को जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, थोड़ी उनकी नॉलेज कम होती है, तो कुछ ज़्यादा वेट उठा रहा होता है, कुछ अपने आप को जो रेस्ट टाइम देना होता है बॉडी को रेस्ट टाइम नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको सारे जो गलतियाँ होती हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप अपने एक्सरसाइज के ड्यूरिंग आप उसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सो पहली गलती है कि गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। तो गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, जो बहुत सारे लोग होते हैं गलती करते हैं एक्सरसाइज को गलत तरीके से करते हैं। जब आप एक्सरसाइज को गलत करते हो तो उसमें आपके जो बॉडी का होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब आप गलत कर रहे हो तो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्मफुल हो ही रहा है, ठीक है। तो ये पहली होता है। सेकंड जो मिस्टेक कर रहे होते हैं हम, वो कर रहे होते हैं कि अपने वेट, हमारा जो वेट है, ठीक है, हम सपोज दैट आपका 70% वेट आप पिक कर सकते हो, 70% जैसे वेट है आपको पिक करना चाहिए, बट उसमें क्या करते हैं हम 100% से ऊपर भी ले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा वेट पिक करने की कोशिश करते हैं। या तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो सोबाजी करने के चक्कर में कि भाई हम ज़्यादा वेट उठाएंगे तो अच्छा दिखेगा ये वो, ठीक है, या लगता है कि उनको कि ज़्यादा वेट उठाने से हमारी मसल्स बहुत जल्दी ग्रो अप हो जाएंगी। तो ये सेकेंड होता है कि आपको जो है ना अपनी बॉडी का जो आपका स्ट्रेंथ होता है उसका आप 70% ही वेट पिक करो, ठीक है, उसी में आप रैप्स इंक्रीज करके लेके चलो, ठीक है। सपोज दैट आप 10-12 रैप्स रख रहे हो तो 10-12 रैप्स रख रहे हो इनफ है, उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर लगता है कि 12 रैप्स भी हमें कम पड़ रहे हो तो 15 लेके जाओ, ठीक है, 18 लेके जाओ, ठीक है, बट वेट को 70% ही स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखो और धीरे धीरे वेट को इन्हेंस करो। जैसे कि आपको लाइक फर्स्ट वीक में आप कर रहे हो 15 kg का डंबल कर रहे हो, ठीक है, और तो नेक्स्ट वीक में आपको लगता है कि 15 किलो में आराम से रैप्स निकाल रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक में जाके आप 17.5-20 का डंबल आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेकंड गलती है जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। थर्ड मिस्टेक होता है वो ये होता है, बहुत लोग करते हैं, बिगिनर्स जो आते हैं वो उनको पता ही नहीं होता कि वार्म अप करना है हमें बॉडी को, थोड़ा सा हीट अप करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे जाते ही हम क्या करते हैं, अपना एक्सरसाइज थोड़ा सा इधर कार्डियो वगैरह बहुत लोग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, देन स्टार्ट कर देते हैं कि भाई अब सीधे स्टार्ट कर लो एक्सरसाइज, बट वो नहीं करना चाहिए। करना आपको क्या चाहिए, वार्म अप करना चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर आपका आज लेग्स है, ठीक है, तो लेग्स में आपको जितने भी होते हैं, ठीक है, आप स्क्वाट्स करो, फ्री स्क्वाट्स कर सकते हो, ठीक है, अपना जितने स्ट्रेचिंग होती है लेग्स की वो स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। 10 से 15 मिनट आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी बॉडी पार्ट का, ठीक है। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि वार्म अप ही नहीं करते हैं और सीधे स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और मैं व्लॉग्स में भी आप बहुत सारे व्लॉग्स में मैंने बोला भी है कि आपको वार्म अप करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। इंजरी आप अगर आप वार्म अप नहीं करोगे अच्छे से तो इंजरी के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है, और इंजर्ड हो गए तो आपको 10 से 15 दिन, ये छोटी मोटी इंजरी हो तो 10 से 15 दिन ले लेती है, तो इंजरी से बचना है, ठीक है, और एक्सरसाइज अच्छे से करना है तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड मिस्टेक थी। हमारा फोर्थ मिस्टेक हम क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है बॉडी, ठीक है, बट हम क्या करते हैं, थकी हुई बॉडी को हम समझते नहीं है, हम फिर अपने एक्सरसाइज में लगे रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको स्टेज पे नहीं जाना है, ठीक है, कहीं कॉम्पीट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपकी बॉडी थक जाती है ना तो उसको रेस्ट दे दो, ठीक है। सपोज दैट आपको 12 रैप्स निकालने हैं, ठीक है, आप कर रहे हो चेस्ट प्रेस और 12 रैप्स निकालने हैं, और आप क्या होता है कि पुश कर रहे हो, ठीक है, बहुत पुश कर रहे हो, लेकिन आपका पुश हो नहीं रहा है, तो उस टाइम आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि गिव अप कर देना है, बट अगर लगता है कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी नहीं पिक हो रहा है, तो उस टाइम अपनी बॉडी को समझो और उस टाइम आपको अपनी बॉडी को रोक लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आपको बस जैसे ही आपको 15 सेकेंड हो जाए, तो जैसे आपने 10 रैप्स निकाल लिए तो 2 रैप्स अगेन आप वो लगा के कंप्लीट कर सकते हो अपने सेट को, ठीक है। तो ये मिस्टेक करते हैं बिगिनर्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए होती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी को समझो कि बॉडी आपकी क्या कह रही है, ठीक है, बॉडी को समझोगे तभी बॉडी ग्रो होगी, ठीक है।
तो अब जो है हमारा फोर्थ, ये मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ मिस्टेक ये होती है कि बहुत सारे, जब हमारी बॉडी जो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है तो हमें क्या होती है, बॉडी डिहाइड्रेट होते जाती है। ठीक है, बॉडी को चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है जब बॉडी हमारी थक रही होती है। तो उस टाइम हम बहुत सारे भाई लोग ऐसे होते हैं कि जो हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते, उनको पानी चाहिए बट पानी को वो सोचते हैं कि पानी क्यों इतना पीना, ऐसे लगता है कि ब्लोट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन होता है, या ध्यान नहीं रहता है, या उन्हें पता नहीं होता कि पानी कितना पीना है नहीं पीना है। तो आप जो है ना, आप 1 लीटर एटलीस्ट आप अपने पानी कैरी करके रखो। ठीक है, आप सिप सिप करके, ये नहीं कि आप पूरा पेट भर के पी रहे हो, आधा लीटर पी गए एक बार में, आधा लीटर मत पियो। ठीक है, जैसे आपका गला सूख रहा है तो हाइड्रेशन का ध्यान रखो, और बीच बीच में आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप पानी पीते रहो। बहुत सारे होते हैं ना BCAA वगैरह, ये जो भी है सप्लीमेंटेशन वगैरह, तो आप पानी नॉर्मल पी सकते हो। बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है उस समय। ठीक है, तो पानी इनफ नहीं होता है, बट आप जो नॉर्मल कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है, बॉडी थक रही है तो आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है। पानी आप पिए 1 लीटर 1.5 लीटर, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। हर किसी का अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो मैं मिनिमम ये बोलता हूँ कि 1 लीटर तो आपको पानी, ड्यूरिंग आप 45 मिनट्स का एक्सरसाइज कर रहे हो या 1 आवर का एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको उतना पानी पीना जरूरी होता है। ठीक है, तो गाइस ये हमारे कुछ ये मिस्टेक जो होता है, नॉर्मल बिगिनर्स भी करते हैं। ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, और बॉडी को क्या चाहिए कैसे चाहिए वो चीज़ें आपको समझोगे तभी आपकी बॉडी ग्रो करेंगी। ठीक है, तो बहुत सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप अपने एक्सरसाइज में और जो आप रूटीन फॉलो करते हो उसमें ध्यान रखो। ठीक है, और इसे फॉलो करो। अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आंसर जानना हो, पूछना हो कुछ भी, तो आप इंस्टाग्राम पे, मेरा हैंडल है दनी रिद्वंशी के नाम से, सेम आप जाके उस पेज पे जाके मुझे DM कर सकते हो। मैं आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर करूंगा। ठीक है, और यही था आपको जो कुछ टिप्स देना था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये जानकारी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी ये चीज़ें, बहुतों को पता भी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर आप कमेंट में बताएं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, बाय, टेक केयर। I cannot fuck with you, baby, you right.